खिलाफ कश्मीर में जब जिहाद किया गया था या कश्मीर को उठा के ले गया था कश्मीर से, क्या जिहाद हुआ मुझे बताइए कश्मीर से। अच्छा आप पाकिस्तान में, एक हिंदुस्तान के बाद में बताएंगे, पहले पाकिस्तान में जो ग्रंथी की बेटी को उठा के ले गया था बहुत अच्छा काम किया था। बताओ आप कश्मीर की बात करिए, कश्मीर में ही मैं बता रहा हूँ, कश्मीर में ही वहाँ पे मुस्लिमों ने वहाँ के ग्रंथी हिंदू में वहाँ के सिखों की बात करो, हिंदू हिंदू सिख एक ही है भाई, क्या बात करते हो भाई। हमें आर्टिकल 1993 का जो ब्रिटिश एक्ट, नहीं नहीं आप ब्रांच मानो, हम नहीं मानते, हम एक अलग धर्म है, सब हमारा एक अलग ग्रंथ है, यार धर्म नहीं, हम ग्रंथ है हमारा, पंथ नहीं, हर 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 धर्म का अपना ग्रंथ है, हम अलग धर्म है, हमारा सिख एम्पायर जियाद का समर्थन थोड़ी करेंगे, मैं आप सरकार मोदी की है, होम मिनिस्ट्री सर मोदी की है, अंदर डाल दो मोदी क्या करे? क्या करे? लो इंटेंसिटी, एक सुइया घुसा है, हम आपको कुछ फांसी दे दे, फास्ट ट्रैक सवाल लोगे, फास्ट ट्रैक करिए, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, लॉ कंप्लीट का, अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ लॉ में, आज ही फास्ट ट्रैक करिए, फांसी दे दी, लव जिहाद की ये बात नहीं, अगर कोई सरदार भी किसी लड़की को छेड़े फांसी पे चढ़ा दो, मारे फांसी पे चढ़ा दो, इसमें लव जिहाद वाली कौन सी बात आ गई। लव जिहाद, एक मेरी बात सुनिए, कोई हिंदू लड़का क्या मुस्लिम लड़की को नहीं भगा के लेता, नहीं लेके जाता, बताइए आप, हाँ तरीके से थोड़ी जाता है, हो जाता है, मैं चलो माना, नो अब साल में इतनी घटनाएं हो रही, अगर अगर हिंदू लड़का मार देगा उसको फांसी चढ़ा दो, यार क्या हो रहा है, मुस्लिम में जा फांसी चढ़ा दो उसको, केस चलाओ फास्ट ट्रैक करके, अरे तो कोई भी करो यार, मुस्लिम कोई भी करी, मैं बोलता हूँ मेरी बात सुनिए, जो गलत करे फास्ट ट्रैक, 9 साल हो गए मोदी जी को बड़े हुए, ऐसे कोर्ट भी तैयार नहीं करवाए जो लड़की को केस तो ऐसे ही निकलते ना, हिंदू बेटियों के साथ ऐसे हो जाओ आप करे हो जाता है। भाई साहब मेरी बात सुनिए, मैं कहता हूँ हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो किसी भी की लड़की के साथ गलत होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए, उसके लिए 3 महीने में सजा होनी चाहिए, लव जिहाद वाली बात ही नहीं होनी चाहिए इसमें, हो चुका लड़की, क्या बात कर रहे हो, अपना जवाब ले, अच्छा सुन लीजिए मैं जवाब देता हूँ, हाँ आप घर पे कैसे संस्कार दे रहे हैं हम अपने बच्चियों को, वो लव जिहाद में क्यों फंस रही है, कुछ तो होगा, मैं जवाब देता हूँ, देखिए आज सुन लीजिए, बात ये है, आपने बोला अभी कोर्ट का जिक्र किया, आज तमाम ऐसे सरकारें आपको गिना सकता हूँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हिमाचल इससे पहले था वो कानून रुक गया है, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, जहाँ जहाँ भाजपा की गवर्नमेंट है या तो वहाँ पर कानून लागू कर दी गई है लव जिहाद के ऊपर, चाहे वो मध्य प्रदेश को उठा के देख लीजिए, कानून लागू कर दी गई है या तो फिर वो प्रोसीडिंग में है, और तमाम ऐसे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विपक्षी राज्य है जहाँ पे लव जिहाद कानून तो दूर की बात उनको मान्यता तक नहीं मिले। अभी अभी सरदार जी, अभी सरदार जी ने एक क्वेश्चन, केरला स्टोरी सही मानते हैं गलत मानते हैं, पहले इनसे बताइए, मैं जो गलत करेगा उसको गलत मानता हूँ, जो गलत हो अभी आपने ये कहा है, अभी सुनिए मूवी लगती है सही है, मैंने ना देखी है ना देखू, मैं ऐसी मूवी देखता ही नहीं हूँ, देखिए आप ये देखिए इनकी 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 सोच इनकी सोच दर्शाती है, आप कश्मीर से हैं तो मैं जम्मू से हूँ, मैं जम्मू से हूँ, देखिए सोच इनकी सोच दर्शाती है, कैसे सोच रखते हैं, देखिए आपकी सरदार जी ने कहा है कि हो जाता है, अगर मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को मार देता है तो हो जाता है, ये कैसे हो जाता है, अभी रिकॉर्डिंग है, मैंने बोला हिंदू लड़की है मुस्लिम लड़की है सिख लड़की, जो गलत करेगा उसके साथ उसको फास्ट ट्रैक केस, आपने कहा हो जाता है, कानून अपनी कार्रवाई करेगी, एक बात बताता हूँ, जो कठुआ में हुआ था, आप जम्मू से हैं, क्या वो गलत हुआ कि सही हुआ था, गलत हुआ, किसके साथ, एक किसके साथ गलत हुआ, एक किसके साथ गलत हुआ, गलत हुआ अफसा थी, वो उनके आरोपी जितने भी थे आज अंदर हैं, आज मैं आरोपी की बात बताऊं, जो मुख्य आरोपी था उसमें जो लड़का था, जिस दिन जो वो कन्विक्शन हुई है, जिस दिन वो कांड हुआ है, जिस दिन हम कहते हैं वो एटीएम में पैसे निकाल रहा था, क्या वो फेक नहीं था क्या, अब एक चीज बताइए, एक मिनट सुन लीजिए, अब मीडिया ट्रायल की अब बात करूंगा, एक मिनट, तब वो मुस्लिम लड़की थी हिंदू लड़का था, जवाब दीजिए, मैं अब यहीं से बात आती है, जो मैंने आपके इससे पहले विष्णु तिवारी का नाम लिया था ना, कि कानून भी कभी कभी गलत फैसले दे सकता है, लेकिन हमें अपने कानून के ऊपर विश्वास करना है या उसके ऊपर उंगली उठानी है, जब एविडेंस, एक मिनट, हमने क्या किया है मीडिया के तौर पर एक वीडियो देख ली, मगर जज बैठता के जज ने वो वीडियो नहीं देखी होगी,
देखी होगी, उसके ऊपर फैसला दिया होगा, उसकी टाइमिंग काउंट की होगी, हमने क्या कर दिया। ठीक है, आप बताइए क्या कह रहे हैं। जब वो कांड हुआ था कठुआ वाला, बीजेपी की सरकार, मैं अभी आपको बोलो, अभी यूट्यूब पे वीडियो निकाल के दे दूंगा, चौधरी लाल सिंह वहां पे गया था, गया था कि नहीं गया था भाई साहब? बिल्कुल गया था, गया था। और उस लाल सिंह ही नहीं, चंद्र प्रकाश गंगा भी गया था वहां पे, उन्होंने लड़के को डिफेंड किया था वहां जाके। उन्होंने लड़के, मैं अभी बोलो, अभी वीडियो निकाल के दे दूंगा, बताइए सर। देखिए डिफेंड क्या किया, आप सुनना एक चीज, आप जवाब सुन लीजिए सरदार जी, जवाब सुन लीजिए। जब जिसको बोलते हैं प्राइमा फेस, जब वहां पता लगा कि ऐसे ऐसे बात हुई है, और पुलिस वाले जो हैं महबूबा मुफ्ती के कहने पे, वहां पे होम उसके पास था कि वहां पे आम लोगों को तंग कर रहे हैं, तो बीइंग ए इलेक्टेड मेंबर, वहां पे क्या एक नेता का वहां जाना बनता था? जवाब दीजिए, किसमें बताइए, एक मिनट। इसका मतलब वो लड़के वाले सही थे? प्राइमा फेस था, उसके बाद बताइए उन मंत्रियों को हटाया गया, इनसे ही पूछिए क्या वो उनको सरकार से हटाया गया या नहीं। क्या चौधरी लाल, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। लड़के की वीडियो वायरल हो गई थी एटीएम की, जो चौधरी लाल सिंह है, मैं उसकी तारीफ करूंगा, जम्मू का एक ऐसा ही नेता जो सच के हमेशा सचलता है, उसने पद से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है जी, अगर बोलो तो YouTube पे वीडियो आज भी दे दूंगा आपको निकाल। इनकी राय लेते हैं सर, क्या कह रहे हैं? देखिए जैसे सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कि अगर एक जनता का नुमाइंदा है उसका फर्ज बनता है, कोई भी, जैसे अभी आपने साक्षी का कांड देखा तो हंसराज हंस वहाँ गए, है ना, तो देखिए नेता का तो काम ही है, कोई भी ऐसी वारदात होती है तो उसे जाना पड़ता है, और देखिए समाज में जिस तरह का सिद्धार्थ जी कह रहे हैं कोई जिहाद ही नहीं हो रहा, तो लव जिहाद तो चल रहा है, जिहाद को तो मान ही नहीं है ना, कहता होता ही नहीं। देखिए हम उसको कौन सा जिहाद मानेंगे, एक मिनट, जो कठुआ में कांड उसको कौन सा जिहाद मानेंगे हम, जब मुस्लिम लड़की को मार दिया गया उसको कौन सा जिहाद मानेंगे, नहीं बताइए आप इसका जवाब दीजिए। देखिए कितनी वारदातें, हाँ, आप ये बताइए कि कितनी वारदातें इस हिंदू धर्म की तरफ से करी गई हैं और कितनी मुस्लिम धर्म से करी गई हैं, है ना, हाँ बताइए, बताओ। जो कठुआ कांड हुआ था वो कौन सा लव जिहाद था, मुझे बताइए। मुस्लिम लड़की थी, हिंदू लड़का था, लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ पे लड़का सही था। और अब ये खुद कह रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू लड़का सही था, तो इसका मतलब वहाँ पे हिंदू लड़के की गलती नहीं है, पर ये साक्षी वाले कांड में या आफ्ताब वाले कांड में सब किसकी गलती थी, किसकी गलती थी? सरकार आपके पास हमेशा आपका सब कुछ कर देती है क्या? न्यायपालिका सरकार के पास, कांग्रेस के, ये अब देखिए, अब ये कह रहे हैं न्यायपालिका सरकार के पास है, अब देखिए न्यायपालिका, सुनिए देखिए, न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है, न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है, उसे कार्यपालिका से कोई मतलब नहीं, और ना कार्यपालिका उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। न्याय तो न्यायपालिका से मिले। एक मेरी बात सुनिए, भाई साहब नहीं है, ये युद्ध है, वार है, हिंदू के अगेंस्ट काफिर के अगेंस्ट, तुम भी काफिर हो, हम भी काफिर हैं, तुम भी काफिर हो, हम भी काफिर है, क्रिश्चियन भी काफिर है, खतरे में हो, हम खतरे में नहीं है, आज भी खतरे में नहीं है, हमारी सरकार में आप खतरे में होंगे, हम खतरे में। कहने का मतलब लव जिहाद सही है? मैं लव जिहाद पे बात चल रही है, मैं जो देश में खतरे में नहीं हूं, अफगानिस्तान से क्यों आना पड़ा, जो अफगानिस्तान से क्यों आना पड़ा भाई।